मॉर्निंग, वेलकम टू फिलो। हर्ष, सिमरत, हाउ आर यू? कैसे हो? हाउ आर यू? सो लेट मी गो थ्रू योर क्वेश्चन, सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ओके, यू वांट आंसर? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट हाउ डज द पोएट रिलेट प्लांटिंग अ ट्री विथ बर्ड सॉन्ग। ओके, हर सिमरत, एक्चुअल में ये क्वेश्चन सारा आपका है टेक्स्ट से, तो जिस पोएम से आपका ये क्वेश्चन है, प्लीज सेंड मी द फोटो ऑफ दैट वेरी क्वेश्चन। यू आर इन क्लास 6, तो आप अपने जो चैप्टर का फोटो है ना, मेन जो पोएम होगा उसका आप फोटो एक भेज दो, सो डेट आई कैन गो थ्रू एंड आपको आंसर मैं दे दूंगा। पर हर सिमरत, आवाज आ रही है ना आपको? यू नीड टू सेंड मी द फोटो ऑफ योर मेन पोएम सो डेट आई कैन गो थ्रू। हाँ, आप भेज दो। यहाँ पर हम यहाँ हाई लिख रहे हैं एंड सेंड फोटो हियर। फिर हम अभी आपको चेक करके आई विल गिव यू द आंसर। ओके, थैंक यू। आई गॉट योर फोटोग्राफ। अलाउ मी 1 or 2 मिनट सो डेट इट कैन गेट डाउनलोड। हम फिर इसको पढ़कर हम अभी आपको आंसर कर रहे हैं। स्टे यहीं पर रहना, स्टे कनेक्टेड हियर। ओके, थैंक यू। दो फोटोग्राफ आए हैं मेरे पास, स्टे कनेक्टेड। तो हमारे पास इट इज डाउनलोडेड, सो लेट मी गो थ्रू इट। पास से पढ़ते हैं, रीड। ओके, व्हाट टाइम्स द प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ओके, नाउ व्हाट टाइम डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री? ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। ही प्लांट द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। ओके, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। In hushed and happy twilight heard the treble of heaven's harmony. These things he plants who plants a tree. Okay, यहाँ तक हो गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। What does he plant who plant a tree? Okay, he plants cool shades and tender rain. Okay, and seeds and birds of day to be. Okay, and years the that fade and flush again. He plants the glory of the plain. He plants the forest heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plants who plants a tree. Okay, हमारा poem complete हो गया है and अब आपका question I will go through it. अब फिर एक एक answer किया जाएगा इसका। So your first question is how does the poet relate planting a tree विद द बर्ड सॉन्ग, यानी बर्ड के सॉन्ग से कैसे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन है पहला। तो हम लोग एक बार पोएम देखें कहाँ पर बर्ड से रिलेट किया गया है। व्हाट डज अ प्लांट हु प्लांट अ ट्री? ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस, द शैफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग। ही प्लांट्स होम टू हेवन फॉर सॉन्ग्स एंड मदर कून ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका। फॉर सॉन्ग एंड मदर कून, मदर कून क्या क्या मतलब है? द सॉफ्ट एंड जेंटल हमिंग वॉइस and the mother bird singing to her babies. Okay, ठीक है, समझ में आ गया हमको आंसर क्या है इसका। तो क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द पोएट रिलेट प्लांटिंग ट्री विद बर्ड सॉन्ग। ओके, हम आंसर लिख रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं, इज इट विजिबल? आपको आंसर दिख रहा है ना? देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन मेन दिख रहा है ना? ये आंसर रहेगा, ये आपके स्क्रीन फिलो में रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हो, डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो हम लिखने स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है द पोएट रिलेट्स प्लांटिंग अ ट्री विद बर्ड सॉन्ग। ओके, द पोएट रिलेट, चलो स्टार्ट करते हैं। द पोएट रिलेट प्लांटिंग अ ट्री, प्लांटिंग अ ट्री, planting a tree with birds song, with bird songs as, अब आंसर यहां से लिख देंगे हम लोग, as क्या था प्लान songs as mother croon of bird, as mother croon, as mother croon। देखो मदर क्रून ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है जो चिड़िया की मम्मी होती है ना,
अपने बच्चों के लिए जो गीत गाती है ना, ताकि वो काम रहें, पीस रहें, इसी को बोलते हैं मदर क्रून। इसका मीनिंग होता है, मदर क्रून का मतलब होता है सॉन्ग सिंग बाय मदर ऑफ द बर्ड। ठीक है, ये आंसर आपका पहला टू का। इतना लिखो हम पढ़ का, अभी आपको बता। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में पूछता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से व्हाट इफेक्ट डज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री हैज पर्सन्स नाइबरहुड। पर्सन्स नाइबरहुड पर क्या असर आता है प्लांटिंग ट्री का, तो देखते हैं कहाँ पर ये मेंशन है। पहले व्हाट डज अ प्लांट डू, ही प्लांट्स फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, ही प्लांट द फ्लैग ब्रीजेस, द शैप ऑफ ब्यूटी टावरिंग, द प्लांट हेवन अनाई, हेवन अनाई, ओके फॉर सॉन्ग फॉर हर्स्ट एंड ट्यूबलाइट, बट टेरिबल हेवन्स हार्मोनी, दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। व्हाट डज ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स अ कूल शेड एंड टेंडर रेन्स, यस नाइबर्स, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इफेक्ट डज द एक्ट ऑफ प्लांट हैज पर्सन्स नाइबरहुड। ओके ठीक है, आंसर लिखते हैं। ये थर्ड थर्ड पैराग्राफ में होगा। थर्ड पैराग्राफ आपने देखा, ठीक है देखते हैं। पहला का थर्ड बोल रहे हो, अच्छा थर्ड पैराग्राफ में, तो आपने फोटो शायद, अच्छा यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल थर्ड फोटोग्राफ तो हमने देखा ही नहीं है। अच्छा, व्हाट डज द प्लांट्स, एक है इन सैप एंड लीफ ऑफ वुड, इन लव्स ऑफ होम एंड लॉयल्टी, एज फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक्स गुड, ओके सिविक्स गुड यही आ गया, हिज ब्लेसिंग ऑन नाइबरहुड, हु इज इन हॉलो ऑफ हिज हैंड, होल्ड्स ऑल ग्रोथ ऑफ आवर लैंड, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग ऑन द नाइबरहुड, एज ही हॉलो ऑफ हिज हैंड, होल्ड्स हॉलो ऑफ हिज हैंड, हॉलो करता है हैंड का, ओके एक तो समझ में आ गया, एंड नेशंस ग्रोथ एंड आवर होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑन आवर लैंड, ठीक है समझ में आ गया। ठीक है, आंसर लिखते हैं। पहला तो ब्लेसिंग प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारे लैंड का होल्ड करता है, ये आंसर है इसका। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी राइट, तो क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इफेक्ट, ओके अकॉर्डिंग टू द पोएट आंसर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट इट प्रो वाइड्स ब्लेसिंग टू नाइबरहुड एंड होल्ड ऑल आर लैंड, ठीक है ये आंसर इसका शॉर्ट में, ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ व्हाट डज, व्हाई डज द पोएट रिफर टू अ ट्री एज अ फ्रेंड ऑफ द सन एंड स्काई, ठीक है ये आंसर लिखते हैं हमको। इसका सेकंड पेज पर लिखते हैं आंसर नंबर, क्या था ये, ए बी सी, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है फोर करते हैं आंसर नंबर फोर। द पोएट रिफर ट्री अस फ्रेंड टू, किसका फ्रेंड है ये, सन एंड स्काई, ठीक है टू फ्रेंड टू सन एंड स्काई। एक बार पहला लाइन देखते हैं वहां पर हम लोगों ने क्या मैटर लिखा है, वैसे तो मैं इसका आंसर ही पता है, ही प्लांट अ फ्रेंड सन एंड स्काई, ही प्लांट अ फ्लैग ऑफ द, ठीक है आंसर तो समझ में आ गया है। द पोएट रिफर ट्री एज अ फ्रेंड टू सन एंड स्काई, अस
इट बैलेंस्ड, BALNCED, ठीक है, ये बैलेंस्ड है, एक बार यहां लिख देते हैं, इट बैलेंस्ड इको सिस्टम एंड अट्रैक्ट क्लाउड विच गिव्स रेन। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब हमारा प्लांटिंग होगा ना तो इकोसिस्टम बैलेंस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, क्लाउड अट्रैक्ट होते हैं और बारिश होते हैं, बारिश होंगे तो वो आपका मौसम साफ होगा, फिर सन भी अट्रैक्ट होंगे, क्लियर स्काई होगा। अगर जहाँ पर डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होता, जैसे जितना जंगल होता है उतने सारे जगह पर नहीं हमेशा बारिश होते हैं, तो ये होता है इकोसिस्टम को। मेन आंसर है इसका, इट बैलेंस इकोसिस्टम, ये बी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अभी हम आंसर नंबर 5 करेंगे, आप इतना लिखो, अभी हम 5 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि विच लाइन डज द पोएट रिपीट ऑल द 3 स्टैंजा ऑफ द पोएम। अच्छा, कौन सा लाइन तीनों स्टैंजास में है, तो वो देखो, वो लाइन बहुत आसान है। पहला लाइन जो है ना, जो व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री, यही है आंसर। समझ में आ रहा है आपको हस्मित? ठीक है, तो लिखना है आपको, ऐसे लिखना है द पोएट, ऐसे लिखोगे तो स्टेटमेंट बनाकर, द पोएट यूज द फॉलोइंग, ठीक है, लाइन थ्राइस, TRICE, ये एफ नहीं है, ये है टी, ठीक है, TRICE, थ्राइस मतलब 3 बार। वो क्या है, जो पहला लाइन है ना, जो व्हाट डज लिखा हुआ है, वही हमें यहाँ लिखना है। आयस हरसिमरत, हरसिमरत क्लियर है? देखो, और कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो पूछ लो, हम बता देंगे। ऐसे ही आपके स्कूल में अगर इंग्लिश ग्रामर में कंपोजिशन आता है ना, उसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं, और पहले वर्ड्स तो सर्च करो कहाँ है, फिर देखो क्या लिखा है, उसको अपने लाइन में फ्रेम करना होता है, तो आपका वो उस तरह का पैसेज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे कभी भी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, इफ यू इन केस एनी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल ऑन फिलो अगेन, वी आर हियर टू हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, टेक केयर, बाय। ओके हसमिर, हसिमरत, टेक केयर।